देश के रक्षक कौन है? किसी से भी पूछे तो सब यही कहेंगे, फौजी। क्या आपने कभी सोचा है ये देश केवल उस एक फौजी का है जो अपनी जान देकर हजारों लोगों की जान बचाता है? आज मैं आपको एक फौजी की जिंदगी और एक आम इंसान की जिंदगी के बारे में बता रहा हूँ। हमारी भारतीय सेना जो हमारी रक्षा करती है, क्या आपने कभी सोचा है कि ये फौजी अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं? क्योंकि एक आम इंसान को एक फौजी की याद तभी आती है जब देश में लड़ाई की स्थिति हो, वैसे उन्हें कोई याद नहीं करता। जब आप पूरे दिन के बाद रात में आराम से सोते हो, अपने मखमली बिस्तर पर आराम फरमा रहे होते हो बिना किसी फिक्र और चिंता के, क्या कभी आपने सोचा कि आपके देश के जवान क्या कर रहे होंगे? जब हम सब घर में रात के समय आराम कर रहे होते हैं, वहीं पर हमारे देश के जवान सीमा पर चौकसी करते हैं ताकि कोई दुश्मन आकर हमारी नींद खराब ना कर दे। भारत देश चाहे कितना भी लोगों को बदलने की कोशिश करे, कितने भी अभियान चला ले, मगर भारत की जनता कभी नहीं बदल सकती। आज भी लोग अपने घर का कूड़ा करकट बाहर सड़क पर फैला देते हैं। जहां देश की जनता हमारे देश को गंदा कर रही होती है, वहीं पर हमारे देश का जवान अपने देश से गंदगी साफ कर रहा होता है। फौजी हमेशा अपनी जगह को साफ सुथरा रखते हैं। जहां भारत की आम जनता रोजाना अपने घर वालों के साथ बैठकर नए नए भोजन का आनंद ले रही होती है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठकर रोजाना तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे होते हैं, वहीं सरहद पर हमारे फौजी भाई रूखा सूखा खाकर अपने परिवार को याद करते हैं। जब हम सर्दियों की रात में आग के पास बैठकर उसका आनंद ले रहे होते हैं, उसकी गर्मी से अपने शरीर की ठंड दूर कर रहे होते हैं, क्या आपको पता है उस वक्त हमारी भारतीय सेना कहाँ होती है? जब हम सभी आम जनता सर्दियों में आग का मजा ले रहे होते हैं, उसी वक्त हमारी भारतीय सेना बर्फीली चोटियों पर पहरा दे रहे होते हैं ताकि कोई दुश्मन हमें परेशान ना करे। हमारे देश के जवान हमारे दुख को दूर करने के लिए अपने को दर्द देते हैं ताकि दुश्मन उसके देश के लोगों को दुख ना दे। हम अपने घर में आराम से सोते हैं, मगर एक फौजी भाई अपनी नींद किस्तों में लेते हैं। ना इन्हें मखमली बिस्तर की जरूरत है, ना मखमली ओढ़ने की। इनके लिए तो इनकी धरती माँ बिस्तर है और आकाश ओढ़ना। चाहे भूचाल आए या आपदा, कोई दुर्घटना हो या परेशानी, हर जगह हर किसी की मदद के लिए आते हैं हमारे जवान। आखिर वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है। चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना या थल सेना, चार ओर से हमारे जवान हमारी रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। हमारे जवान अपने देश के लिए अपने जान देकर हम सबकी रक्षा करते हैं, अपने देश की रक्षा करते हैं। हमें उनकी कुर्बानी को ऐसे नहीं भूलना चाहिए। यह मत सोचे कि सरहद पर हमारे भाई या बेटे नहीं है, मगर ऐसा ना सोचे, सरहद पर जितने भी जवान हैं वह सब आपके भाई आपके बेटे हैं। आइए हम सब मिलकर हर रोज उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी सलामती की दुआ मांगे, क्योंकि एक फौजी ही हमारा रक्षक है। जय हिंद।